हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, एंड दिस इज द राइट टाइम जब हमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज जस्ट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड The National Strategy on Blockchain। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि अवेलेबल है गवर्नमेंट की साइट पे, एंड काफी सोच समझने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे हमें काम करना चाहिए। वी हैव टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, ऑफ आवर स्टूडेंट, ऑफ आवर वर्कफोर्स हु नो and can work on this technology. Now, what is blockchain? Blockchain is actually a distributed ledger. कहने में बहुत सिंपल सी बात यह है कि in spite of having one central location जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ब्लॉकचेन में डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क होती है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि everything is transparent. And that is why the dependency and the belief on a blockchain network is much, much more than any centralized thing. आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है लेकिन पूरी तरह नहीं। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक छोटा सा भाग है। अगर मैं आपके समझ के लिए बात करूं तो इंटरनेट और गूगल, गूगल जो कि सिनोनिमस है इंटरनेट से, इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल ऑफ इंटरनेट। दिस एनालॉजी इज एक्चुअली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जिस तरह गूगल इंटरनेट के एक पर्टिकुलर डोमेन को एक्सप्लोर करता है और उस पर काम करता है, उसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन के सिर्फ एक पार्ट को एक्सप्लोर करती है, बट ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन अथाह है। वी कैन हैव ब्लॉकचेन फॉर डेटा मैनेजमेंट, वी कैन हैव ब्लॉकचेन फॉर रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, यहां तक कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम वोटिंग के लिए भी कर सकते हैं।